हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं गैजेट्स टेक्निक और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं यहां पे KDM का ब्लूटूथ स्पीकर लेके आया हूं। ये एक पोर्टेबल स्पीकर है और इस वीडियो में इसका हम रिव्यू करेंगे, इसके सारे फीचर्स, फंक्शन और कितना ये बैटरी बैकअप आपको देता है, ऐसी सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं बॉक्स से। आप बॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहां पे बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है। और यहां पे आप बॉक्स के ऊपर देखेंगे तो यहां पे कंपनी का ब्रांडिंग, यहां पे KDM म्यूजिक फॉरएवर लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है इसका मॉडल नंबर भी मिल जाएगा, KDM SP115 इसका मॉडल नंबर है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है पोर्टेबल स्पीकर। तो चलिए अब स्पीकर की बात कर लेते हैं। स्पीकर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी जो है रेड कलर का स्पीकर है, काफी अच्छा है। और ब्लैक के कंपेयर में आप देखेंगे तो रेड जो है वो काफी अच्छा स्पीकर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लुक और डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हाथ में जब भी आप इसको पकड़ेंगे तो काफी अच्छा ये फील आएगा और काफी प्रीमियम फील देगा और बहुत ही अच्छा लुक और डिजाइन स्पीकर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्पीकर के अगर फिजिकल ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ही रेड कलर का ये नेट है, ये जाली जो है ये बना हुआ है। और आप देख सकते हैं फ्रंट साइड पे यहाँ पे जो है KDM का यहाँ पे बीच में आपको लोगो मिल जाएगा। और ये जो नेट है इसके पीछे आपको दो स्पीकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आपको जो है साउंड का जो आउटपुट है, साउंड जो है वो आपको सुनाई देगा। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक बेस रेडिएटर दिया गया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं प्लस माइनस का बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, मोड का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बीच में यहाँ पे प्ले पॉज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑन ऑफ बटन भी यहाँ पे दिया गया है। और स्पीकर के पीछे की तरफ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक ऑक्स केबल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जो है आप ऑक्स केबल की मदद से भी स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक माइक्रो SD का यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, आप एक SD कार्ड लगा के भी इसमें जो है म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो USB पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि पेन ड्राइव लगा के भी आप इसमें गाने को जो है वो प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, उसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो माइक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्पीकर का जो इस्तेमाल है आप अपने स्मार्टफोन में कॉलिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका जो चार्जिंग टाइम है और बैटरी बैकअप, सो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरे पास कुछ यहाँ पे ऑडियो सैंपल्स है जो मैं अभी प्ले करने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको एक जजमेंट मिल जाए कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ऑडियो सैंपल्स है अभी मैं प्ले करने जा रहा हूँ, आप गौर से सुनिए, उसके बाद जो है आगे इस स्पीकर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज, ये थे कुछ ऑडियो सैंपल्स। आई होप आपको अंदाजा आ गया होगा, आपको जजमेंट मिल गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है आपको साउंड क्वालिटी स्पीकर का आपको देखने को मिलने वाला है। सो अब बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम की। इसको एक घंटे से लेकर 1.5 घंटा लग जाता है फुल चार्ज होने में, और एक बार ये चार्ज हो जाता है तो 5 से 6 घंटा जो है वो आपको बैटरी बैकअप देता है।
अगर आप इस स्पीकर के डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट बैठे हो तो प्रॉपरली ये 10 मीटर के रेंज में चलेगा। अदरवाइज अगर आप बीच में कोई दीवार या फिर आप समझ लीजिए कि हॉल में अगर स्पीकर को रखते हो और बेडरूम से अगर आप ऑपरेट करते हो, अगर आपके सामने स्पीकर नहीं है तो फिर जो है वो कनेक्टिविटी टूट सकती है और इसमें जो है वो वॉइस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप इसके सामने हो और कनेक्टिविटी प्रॉपर है, स्पीकर के सामने अगर आपका स्मार्टफोन है, तो 10 मीटर की रेंज में बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। सो गाइज, ये था SP115KDM का एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। आई होप सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए गैजेट्स टेक्निकल।